मैं देख रहा हूं कि बार बार चर्चा आती है, लेकिन 10 फार एंड नो फर्दर एक बार पूरा हो जाना चाहिए। ये बात सही है कि कुछ लोगों को, कुछ लोगों के लिए लगाव होता है, अगर उनका नाम नहीं आता है तो उनको परेशानी हो जाती है, जैसे नाम न आने से भी जैसे अपमानित कर दिया ऐसा महसूस होता है, हो सकता है, होना नहीं चाहिए लेकिन होता है। लेकिन मैं चुनौती देता हूं, 2004 से पहले देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, 2004 से 2014 तक शासन में बैठे हुए लोगों ने अधिकृत कार्यक्रम में एक बार भी अटल जी की सरकार की तारीफ की हो, उनके अच्छे कामों का उल्लेख किया हो, तो जरूर इस पटल पर रखें। इतना ही नहीं, अटल जी छोड़ो, नरसिम्हा राव की सरकार की तारीफ की हो वो रखो। इतना ही नहीं, ये अभी के भाषण में भी एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम बोले होते तो मुझे रख। और वो बड़े बड़े लोग थे, मैं उनकी बराबरी में कुछ नहीं हूं, मैं तो सामान्य व्यक्ति हूं, लेकिन लाल किले पर से शायद वेरीफाई करना चाहिए, शायद मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने दो बार ये कहा है कि आजादी से लेकर के अब तक केंद्र की और राज्य की जितनी भी सरकारें हुई, समना सबका देश को आगे ले जाने में योगदान है। इस सदन में भी अनेक बार मैं कह चुका हूं, आज दोबारा कहता हूं, हम वो लोग नहीं हैं, और इसलिए बार बार ये कहना, हां उनकी अपेक्षा है वो ही नाम आए वो एक अलग बात है, लेकिन मैं एक उदाहरण देता हूं, हम लोगों का कैरेक्टर क्या है, हम लोगों का चरित्र, हमारी सोच क्या है, जानकारी के लिए, तभी आपको समझने में सुविधा होगी, सबको नहीं होती है। गुजरात में मुझे लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री के नाते काम करने का अवसर मिला, गुजरात के 50 साल हुए थे, गोल्डन जुबली ईयर था, उस गोल्डन जुबली ईयर का अनेक कार्यक्रम किए, सबको साथ लेकर के किए, लेकिन एक महत्वपूर्ण काम मैं आज यहां बताना चाहता हूं, मैंने सूचना की सरकार को कि 50 साल में जो राज्यपाल महोदय के भाषण हुए हैं उन भाषणों को कंपाइल करके उसका एक ग्रंथ निकाला जाए और वो हिस्ट्री का रिकॉर्ड बनना चाहिए। अब मुझे बताएं कि 50 साल तक गवर्नर का भाषण मतलब किसका भाषण था, उस समय की सरकारों की एक प्रकार से वाहवाही कहो या उस समय की सरकारों के काम की का उसमें लेखा जोखा था, हमारे दल की सरकारें नहीं थी, लेकिन यह हमारी सोच का हिस्सा है कि शासन चलाने की व्यवस्था में जो भी है, देश को आगे ले जाने में जिसकी भूमिका है, और वो पूर्णतया सकारात्मक था, किसी अखबार के एडिटोरियल का कंपाइलेशन नहीं छापा था, गवर्नर के भाषण में उनका छापा है और आज भी उपलब्ध है, जाकर के देखे। और इसलिए ये कहना कि देश में पहले के जो काम हुए उसको हम बिल्कुल गिनते ही नहीं हैं और बार बार हमको सुनाते रहना, ये सुनाने का उन्हीं को हक है जिन्होंने कभी किसी को स्वीकार किया हो, वरना देश को लगता था कि उनके कार्यकाल में नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिलता, उनके कार्यकाल में पहली टर्म के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भारत रत्न मिलता, लेकिन परिवार के बाहर के व्यक्तियों को कुछ नहीं मिलता है। ये हम हैं, हमारी सोच है, प्रणव दा किस दल से थे, किस पार्टी के लिए उन्होंने जीवन खपाया, उसके आधार पर हम निर्णय नहीं करते हैं, उनके देश के लिए योगदान था, भारत रत्न का निर्णय हम कर सकते हैं।
और इसलिए कृपा करके मैंने ये कहने के बाद मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे आनंद नहीं हो रहा है, लेकिन बार बार ये हमको सुनाया जाता है तो फिर दस फॉर एंड नो फर्दर। आज मैं रिकॉर्ड पर चीजें रखना चाहता हूं कि ऐसा कृपा करके बार बार मत बोलिए। हम किसी के योगदान को नकारते नहीं है जी, और जब हम कहते हैं कि 125 करोड़ देशवासियों ने देश को आगे बढ़ाया तो 125 करोड़ देशवासियों सबको आते हैं जी, और इसलिए कृपा करके हम चर्चाओं को इतना छोटा न बना दें। माननीय अध्यक्ष जी, जब आपने हर चीज में कल तो बड़े नारे बुलवा लिए, किसने किया किसने किया किसने किया, आज 25 जून है साहब, जानकारी भी नहीं कि 25 जून क्या है, अगल बगल में पूछना पड़ता है। पच्चीस जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था, भारत में लोकतंत्र संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है, भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा है, इस आत्मा को कुचल दिया गया था, देश के मीडिया को दबोच दिया गया था, देश के महापुरुषों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था, पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था, और सिर्फ किसी की सत्ता चली न जाए इसलिए, न्यायपालिका का जजमेंट था। न्यायपालिका का अनादर कैसे होता है उसका वो जीता जाता उदाहरण है। आज 25 जून को हम लोकतंत्र के प्रति फिर से एक बार अपना समर्पण अपना संकल्प उसको और ताकत के साथ हमने समर्पित करना होगा, संविधान की बातें बताना और संविधान को कुचलने के पाप करना इन चीजों को कोई भूल नहीं सकता है, और उस समय जो जो भी इस पाप के भागीदार थे ये दाग कभी मिटने वाला नहीं है, और इस दाग को बार बार स्मरण करने का भी जरूरत है ताकि देश में फिर कैसे किसी को ऐसा पैदा न हो जिसको इस पाप के रास्ते पर जाने की इच्छा हो जाए, इसलिए याद करना जरूरी है, किसी को भला बुरा कहने के लिए नहीं। लोकतंत्र के प्रति आस्था का महत्व क्या है ये समझाने के लिए भी लोकतंत्र पर किस प्रकार से प्रहार हुआ था ये स्मरण कराना जरूरी होता है, किसी को बुरा भला कहने के लिए नहीं होता है, और इसलिए उन संपर्कों की पूरी के लिए उस समय जबकि मीडिया पर ताले लग चुके थे, हर कोई लगता था कि आज शाम को पुलिस आएगी पकड़ लेगी, ऐसे वातावरण में मेरे देश के नागरिकों की सामर्थ्य देखिए, इनका ताकत देखिए, जाति पंथ संप्रदाय सबसे ऊपर उठ करके देश ने उस समय चुनाव में नतीजा दिया था और लोकतंत्र के लिए वोट किया था और लोकतंत्र को पुनः प्रस्थापित किया था, ये मेरे देश के मतदाताओं की ताकत है। इस बार फिर एक बार जाति पंथ संप्रदाय भाषा सबसे परे उठा करके सिर्फ और सिर्फ देश के उज्जवल भविष्य के लिए इस बार फिर से एक बार देश से मतदान किया। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में दो महत्वपूर्ण अवसरों का उल्लेख किया है,
एक गांधी 150 और दूसरा आजादी 75। व्यक्ति का जीवन हो, परिवार का जीवन हो, समाज का जीवन हो, कुछ तारीखें होती हैं जो नया जज्बा पैदा करती हैं, जीवन को प्राणवान बनाने का अवसर बन जाती है, संकल्पों को पूर्ण करने के लिए समर्पण के भाव से जोर देती है। भारत के जीवन में भी आज हमारे पास पूज्य बापू से बड़ी कोई प्रेरणा नहीं है। आज हमारे पास आजादी के लिए मर मिटने वाले वीरों से बड़ी कोई यादें नहीं है। यह अवसर खोना नहीं चाहिए। देश की आजादी के लिए जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया, उनका पुण्य स्मरण करते हुए, जिन्होंने यातनाएं झेली, जिन्होंने अपनी जवानी मां भारती के लिए न्योछावर कर दी, उनका पुण्य स्मरण करते हुए और देश में आजादी के लिए जन आंदोलन सफलतापूर्वक नेतृत्व करने वाले पूज्य बापू का स्मरण करते हुए, इन तारीखों का एक अवसर बना करके हम देश में फिर से एक बार स्पिरिट पैदा कर सकते हैं। और ये सरकार का एजेंडा नहीं हो सकता है, किसी दल का एजेंडा नहीं हो सकता है, ये पूरे देश का एजेंडा होता है। इसमें दल नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ देश होता है। राष्ट्रपति जी ने इस बात को कहा है, हमारे लिए संकल्प की घड़ी है, चुनाव के मैदान में तू मैं जो करना है कर लीजिए, लेकिन ये एक अवसर है इसको हम पकड़े। आजादी के पहले देश के लिए मरने का मिजाज था, आज आजादी 75 पर देश के लिए जीने का मिजाज पैदा करने का हमें अवसर। मैं इस सदन में सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूं, मैं देश के सभी सार्वजनिक जीवन का नेतृत्व करने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि राष्ट्रपति जी ने हमें जो आदेश दिया है, जो हमसे अपेक्षा की, उस अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए हम आगे आए और इस दो महत्वपूर्ण अवसरों को नए भारत के निर्माण के लिए, जन सामान्य को जोड़ने के लिए हम किस प्रकार से आगे ला सकते हैं, हम प्रयास करें। हिंदुस्तान गुलामी का कालखंड लंबा रहा, लेकिन इस गुलामी के कालखंड में कोई भी काल ऐसा नहीं था कि किसी न किसी कोने में से आजादी की आवाज न उठी हो, त्याग बलिदान की परंपरा न चली हो। 1857 में एक संगठित रूप प्रकट हुआ, लेकिन महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने देश के सामान्य मानवी को आजादी का सिपाही बना दिया। अगर वो झाड़ू लगाता है तो भी आजादी के लिए, वो बच्चों को शिक्षा देता है तो भी आजादी के लिए, वो खादी के वस्त्र पहनता है तो भी आजादी के लिए, ये पूज्य बापू ने पूरे हिंदुस्तान में माहौल बना दिया। और 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में देश का जन जन जुड़ गया। 1942 to 1947 एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है आजादी की जंग का। क्या हम गांधी 150 और आजादी 75 को उस 42 के स्पिरिट के साथ देश को संकटों से मुक्ति दिलाना, देश को समस्याओं से मुक्ति दिलाना, अधिकार से ऊपर उठकर के अब कर्तव्य पर बल देना, जिम्मेवारियों को निभाने के लिए देश को प्रेरित करना, क्या हम इसके लिए आगे आ सकते हैं? मैं मानता हूं राष्ट्रपति जी ने विषय को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हमारे सामने रखा और लोगों का आश्चर्य होता था जब आजादी की मांग हो रही थी, मजाक भी उड़ाया जाता था, कैसे चलाओगे, क्या चलाओगे, लेकिन आजादी के दीवानों के अंदर एक ललक थी, आजादी के लिए मरने वालों का एक मिजाज था, आजादी के लिए, आजाद भारत के लिए जीने वालों का मिजाज पैदा करना इस नेतृत्व में क्षमता है। मैं चारों तरफ हाथ घुमा करके कह रहा हूं,
मैं सिर्फ मेरे लिए नहीं कह रहा हूं, नहीं मैं इस तरफ कह रहा हूं, हम सब मिलकर के इस बात को करें।